थाने कोतवाली पे घटना घटी है जिसमें हमारे पीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की तरफ नजरिए से इस पिछा पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जैसा भी होगा और अपडेट होगा। फैल रही सर, पथराव हो रहा है सर, एक बार हम निरीक्षण कर रहे हैं। कौन कौन घायल हुआ है इसमें सर? अभी फिलहाल दो पुलिस वालों की सूचना मिली है। जिसका छतरपुर जिला में जम के हंगामा भाव, एक तरफ तो एससी एसटी ओबीसी मोर्चा के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद करा रहे थे और ए बीच कई जगह विवाद की स्थिति बनी, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन भाव, लेकिन यही दिना एक बड़ो बवाल हो गया छतरपुर में दूसरी जगह, जब मुस्लिम समाज के लोगों ने छतरपुर सिटी कोतवाली को घेरे। महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पे टिप्पणी को लेकर घेराव करे एफआईआर करावे गए थे मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन ए बीच कोतवाली पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों में झड़प हो गई। कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और फिलहाल छतरपुर में हालात तनावपूर्ण बने हैं। सर क्या किस तरह की स्थिति है सर? सर क्या घटना घटी है और ये क्या हुआ? अभी थाने कोतवाली पे घटना घटी है जिसमें हमारे पीआई साहब को चोट लगी है। अभी हम कानून व्यवस्था की तरफ नजरिए से इस पिछा पर हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जैसा भी होगा और अपडेट होगा। हिंसा फैल रही है सर, पथराव हो रहा है सर, एक बार हम निरीक्षण कर रहे हैं। कौन कौन घायल हुआ है इसमें सर? अभी फिलहाल 2 पुलिस वालों की सूचना मिली है जिसमें उनको चोट लगी है। अभी उन्हीं को देखने हम आए थे। अब एक बार हम लोग शहर का भ्रमण कर लें, फिर कानून व्यवस्था का जायजा लेकर आपको। आज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मुस्लिम समाज के द्वारा ज्ञापन दिया जाना था। उनका ये कहना था कि महाराष्ट्र में एक जो बयान दिया गया है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, उसको लेके उनमें आक्रोश है। उसके लिए मतलब पहले से प्रशासन ने और पुलिस एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने, सभी ने उन लोगों से बातचीत की और एक उनका जो कहना था कि हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देंगे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आए 4:30 के बीच में, जब वो ज्ञापन देने वाले थे उसमें कुछ उपद्रवी लोग थे, उन्होंने एकदम पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस ने भी उसमें रिटेलिएट किया और उनको 5 मिनट के अंदर थाने से बाहर खदेड़ा। 5 मिनट के लिए कुछ जो उपद्रवी थे वो रोड पर जब थे, दुकानदार जो कि सीधे हैं, उन्होंने 5 मिनट के लिए अपने शटर गिराए। फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकले, सभी को समझाइश दी, सभी को पुलिस और प्रशासन पर पूरा भरोसा है, सभी बाजार खुला हुआ है। अभी वर्तमान में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी स्थिति नहीं है। जो संपूर्ण घटनाक्रम था वो मैं समझता हूँ कि आधे घंटे के अंदर का था। अभी हम सभी लोग इसमें सारे CCTV सारे वीडियोज वो खंगाल रहे हैं और लोग कुछ चिन्हित भी हो गए हैं। इसमें जो भी अप्रोप्रिएट धाराएं होंगी वो लगाई जाएंगी और सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई। टीआई से कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, महिला पुलिसकर्मियों पर जो थाना प्रभारी कुजूर हैं उनके हाथ में और सिर में चोट लगी है और वो अब उनका इलाज भी किया जा रहा है हॉस्पिटल में। वो उनकी स्थिति ठीक है, साथ में एक भूपेंद्र हैं, उनके भी हाथ में पत्थर लगा हुआ है, उनकी भी स्थिति ठीक है और जो उनके सिर में चोट लगी है उसका सिटी स्कैन भी किया जा रहा है, उसके अनुसार जो भी धारा है। पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है सर? आगे पुलिस पूरे शहर में अपनी गश्त भ्रमण में है और जो भी इसमें सख्त से सख्त एक्शन हो सकता है वो पुलिस 100% लेने जा रही है। थैंक यू। एक तरफ तो भारत बंद को आह्वान पहले ही से हतो और यही दिना मुस्लिम समाज के लोगों ने जो प्रदर्शन करे और इसके बाद थाने में पथराव भाव और इसको लेके कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज taught in 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।